हेलो फ्रेंड आज हम कटहल के सब्जी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और कम मसाला के साथ बनाएंगे तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो इसके लिए हमने आठ से दस लहसुन के करियाँ ली हैं दो हरी इलायची इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एक चम्मच जीरा सावत एक चम्मच काली मिर्च एक तेज पत्ता दो से तीन हरी मिर्च दो टमाटर दो प्याज इन सबको मिक्सी के जार में डाल के बारीक पेस्ट बना लेंगे तो मिर्ची का डंडिया तोड़ लेंगे और बीज का बीज निकाल लेंगे अगर आप चाहे निकालना तो निकाल सकते हैं इसी तरीके से सारे मिर्ची का बीज निकाल के मिक्सी में डाल लेंगे और ये प्याज भी पीस में काट के डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो तो बीज का हिस्सा नहीं लेंगे टमाटर का इस तरीके से निकाल के काट के बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे इसमें आधा कप पानी डालेंगे ताकि मसाला बहुत ही आसानी से बारीक पीस जाए तो फ्रेंड हमने ये सारे मसाले को बहुत ही बारीक फाइन पेस्ट बना लिया है अब इसे साइड में रख देंगे अब काठल लेंगे काठल हमने यहाँ पे 500 ग्राम लिया है तो इस काठल को मैं बीच से छोटे छोटे पीस और कर लूंगी और ध्यान रखेंगे कटहल का जो बीज होता है बीज तो सब्जी बनाने में यूज होता है बीज का जो ऊपर का छिलका होता है ये बहुत ही खतरनाक होते हैं तो इसीलिए इस छिलके को निकाल लें या तो आप कच्चा में निकाल सकते हैं ये देखिए इस टाइम तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है जब पक जाता है तो बहुत ही हार्ड होता है और गले में फंस जाते हैं ये तो इसीलिए अगर आप कटहल के सब्जी बना रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें तो इस टाइम मैं बीज का ये छिलका नहीं निकालूंगी जब पक जाते हैं सब्जी सब्जी तो निकालने में आसानी होते हैं तो आप खाने के टाइम में भी निकाल निकाल के खा सकते हैं अगर आप बच्चे को ये सब्जी दे रहे हैं तो इस छिलके को निकाल के बहुत ही सावधानी से दें या तो आप कटहल जब कच्चा होता है बहुत ही कच्चा तो उस टाइम बनाए तो ये छिलका निकालने की जरूरत नहीं होता है ये हार्ड वाला छिलका जब होता है जब थोड़ी सी कटहल पक जाते हैं तो जब छोटा छोटा कटहल होता है उस टाइम आप सब्जी बना सकते हैं तो एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे और एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे दो से तीन चम्मच जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल लेंगे एक चम्मच सरसों का तेल डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करके इसको पाँच मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि जो भी फ्लेवर है मसाला का इस कटहल के अंदर आ जाए इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो फ्रेंड इस सब्जी को मैं कुकर में बना रही हूँ तो फटाफट से बन के तैयार हो जाता है तो इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो एक बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जो आप खाते हैं घर में अब इस को तेल को गर्म होने देंगे तो पांच फ़ौरन लिया है हमने जो कि सौंफ आजमाइन जीरा कलौजी मेथी ये सब मिक्स करके पांच फ़ोरन बनता है तो एक छोटी चम्मच हमने पांच फ़ोरन डाला एक तेज पत्ता डाल लिया एक पिंज हींग डालेंगे इन सबको अच्छे से तरकने देंगे अब ये खरे मसाला अच्छे से तरक गया है एक इलाय एक दालचीनी भी डाल लेंगे अगर आपके पास है तो डालें नहीं है तो कोई बात नहीं अब इसमें यह कटहल डाल लेंगे तो लो टू मीडियम फ्लेम पे कटहल को अच्छे से पकने देंगे गोल्डन होने तक तो इसे मिक्स कर लेते हैं मिक्स करके और इसे फैला देंगे तो लो टू मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट में ये एक साइड गोल्डन हो जाएगा ऐसा करने से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब इसे बंद कर देंगे दो से तीन मिनट के लिए इस टाइम कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे कोई प्लेट या ढक्कन से ढक देंगे दो से तीन मिनट के बाद देखेंगे आप एक साइड गोल्डन हो गया है अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से फैलाते हुए दो से तीन मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे सेलो फ्राई करना हो गया ये हमारा तो फिर से दो से तीन मिनट तक पकने देते हैं बंद करके तब तक हम सूखी मसाला तैयार कर लेंगे इसके लिए हम दो चम्मच धनिया पाउडर लिया है एक से डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर अगर आपको लाल मिर्च पाउडर पसंद नहीं है तो ना डालें एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर अब थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हाफ कप से भी थोड़ा सा कम पानी मसाला में मिक्स कर लेंगे अब हम इन मसाले को कटहल में डाल लेंगे तो दो से तीन मिनट के बाद देखेंगे कटहल सेलो फ्राई हो गया है अच्छा सा कलर आ गया है और कुकर में तेल भी छोड़ने लग गया है तो अब इसमें सूखी मसाला और साथ में ही टमाटर प्याज का पेस्ट भी डाल लेंगे तो पहले हम दो से तीन मिनट तक इस सूखी मसाला को भूनेंगे जब ये भून जाएगा तो टमाटर प्याज का भी पेस्ट डाल लेंगे तो फ्रेंड ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो इसीलिए पहले आप सूखी मसाला को दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम पे भूनें इसके बाद टमाटर प्याज का भी पेस्ट डाल के उसे भी पाँच मिनट तक पका लेंगे पाँच मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मैंने पाँच मिनट लो फ्लेम पे पकाया था तो मसाला भी अच्छे से पक जाते हैं पाँच मिनट के बाद देखेंगे मसाला का पानी सूख गया है तो इस टाइम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेंगे और दो से तीन मिनट तक मसाला को भूनेंगे और ध्यान रखेंगे कि मसाला जले ना अगर आप देखेंगे मसाला जल रहा है तो फ्लेम को लो भी कर सकते हैं तो अच्छे से मसाला भूनेंगे जब तक कुकर में तेल ना छोड़ने लग जाए तो जब भी आप बंद करके पकाते हैं तो लो फ्लेम कर सकते हैं ताकि आपके मसाला जलेगा नहीं तो हमने लगभग सात मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लिया है अब इसमें पानी डाल लेंगे तो फ्रेंड अगर आप इस सब्जी को कढ़ाई में बनाते हैं तो सेम इसी तरीके से बनाइए और पकाने के टाइम पानी थोड़ा ज्यादा लगेगा तो इसमें मैंने डेढ़ कप पानी डाला था बड़े कप से तो पानी हम इतना डालेंगे कि हमारा कटहल दिखता रहे अगर ज़्यादा रस पसंद है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक पकाएंगे जब एक सीटी लग जाएगा तो इसे छोड़ देंगे दस से पंद्रह मिनट के लिए ताकि कुकर का गैस अपने आप ही निकल जाए तो इसे एक सीटी आने तक पका लेते हैं तो फ्रेंड हमारे कुकर में सीटी लग गया है अब इसे पंद्रह मिनट के लिए छोड़ देंगे कुछ और मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमने पंद्रह मिनट के बाद चेक किया तो आप देख सकते हैं सब्जी तैयार है अब इसमें एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और कस्तूरी मेथी भून के डालेंगे कसूरी मेथी और इसे मिक्स करके सर्व कर लेंगे तो फ्रेंड इसे आप रोटी चावल पूरी के साथ खा सकते हैं तो ये लीजिए कटहल की सब्जी तैयार है तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू सो तो मच